अब तक आपने देखा कैसे रामा, महाराज कृष्णदेवराय और महाराजा गजपति प्रताप रुद्र को एक साथ शिवाभिषेक करने हेतु मनाता है। महारानियों के हाथों से बने भोजन ग्रहण कर दोनों महाराज सारे वाद विवाद भूलकर एक दूसरे के लिए सहानुभूति व्यक्त करते हैं। महाराज कृष्णदेवराय के लिए जगन मोहिनी की प्रेम भरी दृष्टि देख रामा को निश्चित युद्ध की शंका होने लगती है। अब आगे महाराज गजपति ने हमें साथ चलने को भी नहीं कहा और महाराज कृष्णदेवराय के साथ अकेले ही वन को चले गए और दोनों एक साथ ही लौटे। दोनों में ऐसे कैसे मित्रता हो सकती है? ये तो हमारी योजना ही नहीं थी। शत्रुता होगी तभी तो युद्ध होगा। खा लो। तुम दोनों को शारीरिक बल की अत्यधिक आवश्यकता है। आज तुम दे दनादन देंगे। इसने हमें शब्दों के बांध से प्रताड़ित किया था। हम इसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। अर्थात गुरुजी? अर्थात कौन मारेंगे? बचाओ! कौन? आप लोगों ने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? गुरुजी ध्यान में हैं। गुरुजी घोर पूजा में हैं। इनकी पूजा प्रभावशाली है। इनके आसपास कोई इनके लिए बुरा सोचता है तो उसकी जमकर पिटाई हो जाती है। क्या आपने भी किसी का बुरा सोचा है? अरे नहीं, वो हम तो अभी व्यायाम करके आ रहे हैं भाई। ये क्या है? हमारे गुरुजी ध्यान में ऐसे ही हंसते हैं, किंतु आप क्या रात्रि में व्यायाम करते हैं? आपको इससे क्या मतलब है? हम रात्रि में करें या दिवस में व्यायाम करें, हम अभी फिर जा रहे हैं व्यायाम करने के लिए। बुरा मत सोचिए, नहीं तो फिर से जमकर पिटाई हो जाएगी। ये प्रथम अवसर है जब तुम दोनों ने सच्चे शिष्यों की भांति व्यवहार किया है। हम प्रभावित हुए। वैसे गुरुजी एक बार में पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हुआ, पुनः ऐसा अवसर फिर कब प्राप्त होगा बताइए ना। शीघ्र ही, जब इस मूर्ख से हमारा पुनः सामना होगा। परंतु सबसे पहले हमें पंडित रामाकृष्णा से समस्त दक्षिणा दरिद्रों में बंटवाने का प्रतिशोध लेना है। आइए पंडित रामकृष्णा, हम आप ही के विषय में विचार कर रहे थे। पंडित रामकृष्णा, आपसे हम कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। मुझे भी आपको कुछ सूचना देनी थी महाराज। कैसी सूचना? महाराज गजपति वैसे नहीं है जैसा हमने सोचा था। पंडित रामकृष्णा, हमारा भी यही विचार है। वो हमारी भांति अपनी धर्मपत्नी के भोजन से व्यथित होंगे, परंतु व्यक्ति वो भी ठीक ही है, वैसे नहीं होंगे जैसा हम सोच रहे थे। नहीं महाराज, मेरा तात्पर्य है कि उनके मस्तिष्क में अवश्य कुछ चल रहा है। अवश्य चल रहा होगा पंडित रामकृष्णा, और वही चल रहा होगा जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है। न जाने दोनों रानियां रात को भोज में क्या बनाते हैं। नहीं महाराज, मेरी शंका कुछ और है, और मुझे लगता है कि सही समय रहते ही हमें निर्णय ले लेना चाहिए। निर्णय तो हम ले चुके पंडित रामकृष्णा। इससे पहले कि हमें महारानी थिरुमलम्बा और महारानी पद्माले के हाथों का भोजन करना पड़े, हम शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से निकल चलेंगे। मैं भी तो यही चाहता था महाराज, आपने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। धन्यवाद। पंडित रामकृष्णा, परंतु आप ऐसा क्यों चाह रहे थे? कि महाराज मुझे सामने वाले की नीयत सही नहीं लग रही। अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि हम यहाँ और रुके तो आप उनके चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो शत्रुता बढ़ेगी और फिर युद्ध भी होगा। इससे अच्छा है कि हम ही यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। शत्रुता, चक्रव्यूह? पंडित रामकृष्णा, हम किसी की शत्रुता या किसी युद्ध से भयभीत नहीं होते हैं। यदि ऐसा है तो हम यही रुकेंगे और देखेंगे क्या होता है हमारे यहाँ रुक जाने से। नहीं महाराज, मेरा तात्पर्य कदापि ऐसा नहीं था। नहीं पंडित रामकृष्णा, तुलवा वंश के विजयनगर राज्य के सम्राट है हम,
अब हम भी देखेंगे वो क्या चाहते हैं और देंगे उन्हें जो वो चाहते हैं। रामा, अम्मा और शारदा जब तुझे तनाव देते हैं तो तू सदैव मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, स्वयं तो फंसता है और मुझे भी फंसा देता है। तुझे अपनी पड़ी है बंधु, मुझे भय है कि कहीं महाराज जगन मोहिनी के सम्मोहन में ना फंस जाए। महाराज, मामा महामंत्री तैयारियां कीजिए युद्ध की। हाँ, नहीं, ओडिशा प्रस्थान करने की। हम बोलेंगे। हमने बोल दिया है, अब आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बोलेंगे, परंतु महाराज हमें आपके अपमान का बदला लेना होगा। उन्हें पता था कि उनकी पत्नी कैसा भोजन बनाती है, फिर भी वो भोजन आपको खिलाया और आपका सम्मान करने की बजाय आपका अपमान किया गया है। जाने दीजिए ना मामा महामंत्री, हमने भी तो उनके साथ यही किया। वैसे भी उनकी वाली हमारी वाली से अधिक भयंकर भोजन बनाती है। अरे हम उनके साथ क्या युद्ध करेंगे, वो तो प्रतिदिन अपनी भोजन की थाल के साथ युद्ध करते होंगे। उन पर क्रोध आने की बजाय हमें तो उन पर दया आती है। राजकुमारी जगन मोहिनी महाराज कृष्णदेव राय के कक्ष की तरफ क्यों जा रही है? हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से तुरंत ओडिशा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। आप कहते हैं तो अवश्य महाराज, किंतु हमें जाने से पहले उनसे विदा तो लेना चाहिए। हाँ, ये उचित रहेगा। कृष्णदेव राय के सम्मान में हम इतना तो कर ही सकते हैं। क्या हम भीतर आ सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसे अतिथि को जो अत्यधिक सुंदर हो, इतने समय द्वार पर प्रतीक्षा करवाएंगे आप? नहीं नहीं, आइए। हम आपके लिए विशेष उपहार लेके आए हैं। अच्छा, ये हमारे कोणार्क मंदिर का प्रतीक है। ये हमारे लिए है। धन्यवाद, अद्भुत है, अति सुंदर। और ये हमारी भावना का प्रतीक है। लीजिए और हमारी भावना को स्वीकार कीजिए। प्रणाम महाराज, आप यहाँ इस समय? हम आपके महाराज को कुछ देना चाहते। अच्छा, आप भी? आप भी अर्थात? अरे तो ये देखिए महाराज, आपकी आंखों के समक्ष ये क्या हो रहा है? जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। सत्य कहा आपने, जैसा हम सोचते थे वैसे आप कदापि नहीं है। अरे हम तो आपको वो सोचते थे, लेकिन आप तो वो निकले। क्या सोचा था और क्या निकले? हम आपको मित्र समझते थे, लेकिन आप तो शत्रु निकले। जो युद्ध नहीं करता लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारी पुत्री पर डोरे डालता है। त्रुटि हो रही है आपसे,
हम युद्ध भी कर सकते हैं और विजयी भी हो सकते हैं। महाराज, 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 युद्ध के विषय में बात ना करें, अन्यथा उन्हें लगेगा कि आप सचमुच राजकुमारी पे डोरे डाल रहे थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्त संसार को लगेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों महारानियों को भी लगेगा। हमें कोई फर्क पड़ता है पंडित रामकृष्ण, पड़ता है फर्क। तो हम क्या करें? हम बात करें। बात करते हैं। तलवार। हम पुनः आपसे कह रहे हैं, आपकी समझ में थोड़ी त्रुटि हो रही है। जी नहीं, हमारे महाराज जो कुछ भी समझ रहे हैं वो एकदम सही है। अब तो युद्ध होकर रहेगा। हाँ तो हो जाने दीजिए युद्ध, हम भयभीत नहीं होते। अर्थात हमारे महाराज भयभीत नहीं होते। उचित है, अब या तो आप रहेंगे या हम। महाराज जी, आपको इतने ऊंचे सर में थोड़ी बुला सकते हैं। हम तो पिताजी महाराज को संबोधित कर रहे थे। बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? महाराज, आप इनसे कैसे युद्ध कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम योद्धा हैं, राजा हैं। परंतु इन्हें देखकर इनसे युद्ध करने का मन नहीं करता। आप कहना क्या चाहती हैं? स्पष्ट कहिए राजकुमारी। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इतने प्रतापी राजा हैं कि इनसे तो मित्रता करनी चाहिए, शत्रुता नहीं। आप किसका पक्ष ले रही हैं राजकुमारी? आपके पक्ष में है पिताजी, इसीलिए हमारी प्रथा के अनुसार ये हमारे कोणार्क मंदिर का चिन्ह देने आए थे। अच्छा, ये उपहार देना तो हमारे राज्य की प्रथा है। और उपहार प्राप्त करने के पश्चात पुनः उपहार देना हमारे राज्य की प्रथा है। जी महाराज, अब हमारा अवसर है, अब आपको उपहार देना चाहिए। आपके महाराज क्या उपहार देंगे? देना होता तो अब तक दे चुके होते। अरे छोड़िए छोड़िए मामा, महामंत्री, हमारे महाराज सामान्य उपहार नहीं देते हैं, सामने वाले को मनचाहा उपहार देते हैं। आपके महाराज जो मांगना चाहें मांगे, मांगिए मांगिए। नहीं नहीं, हम बोलेंगे। अटक 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 अटक, बोलिए। अब चलिए चलिए बोलिए। हम बोलेंगे परंतु आज नहीं बोलेंगे। हमारे महाराज कल प्रातः पूजा के बाद सोचकर बताएंगे कि उन्हें उपहार में क्या चाहिए। उचित है, आप विचार करके हमें बताइए कि आपको भेंट स्वरूप हम क्या दे सकते हैं। हम आपको भेंट अवश्य देंगे। धन्यवाद। ये बुढ़ा सदैव नई समस्या उत्पन्न करता है रामा। हाँ बंधु, पता नहीं कहाँ फंसा दिया महाराज को उस गुरुवर ने। पता नहीं ये क्या मांग ले। ये बड़ा आनंद आता है ना पंडित रामकृष्ण को दूसरों को मिली दक्षिणा दान देने में। अब देखो पंडित रामकृष्ण महाराज से क्या दान दिलवाता है ये तथाचार्य। हे माँ, ये क्या हो रहा है? सर्वप्रथम रुद्राभिषेक में विघ्न, तत्पश्चात गुरुवर को मृत्यु दंड देने वाली दुविधा, और फिर भोजन वाली प्रतियोगिता जिसमें युद्ध होते होते रह गया। ये काली माँ, अब क्या होना शेष है? अब क्या होना बचा है इस राज्य में? कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा और शारदा की बात सच है? राजकुमारी जगन मोहिनी कैसे अपना सुध-बुध खोकर सर्वप्रथम महाराज के हाथ धुलवा रही थी, फिर महाराज को शरबत भी पिलाया, फिर कैसे छुप-छुप कर एकटक महाराज को देख भी रही थी, और फिर उपहार में महाराज को कोणार्क की प्रतिमा भी दी। उपहार तो दिया, साथ में गुलाब का फूल भी दिया, और फिर महाराज के हाथ पर पट्टी भी बांधी। रहता जाने क्या विपदा आने वाली है। माथा गर्म हो गया है मेरा। उधर जा।
अरे धनी, अरे वो अपना बुढ़ा, अपने गुरुजी हैं। अरे हाँ, ये तो अपने गुरुजी हैं, पर अर्धरात्रि को कहाँ भागे जा रहे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। चल 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 के देखते हैं, चल के देखते हैं बुढ़े को। हाँ, ये बुढ़ा कहाँ गायब हो गया? गुरुजी आप तो हमारे आगे थे, इतने शीघ्र पीछे कैसे आ गए गुरुजी? क्योंकि हम जानते थे कि तुम दोनों दुष्ट हमारे पीछे अवश्य आओगे। नहीं नहीं गुरुजी, हम तो लघु शंका निवारण हेतु बाहर आए थे। लघु शंका? जी गुरुजी। दोनों को एक साथ। जय गुरुजी, लगी तो हमें भूख थी किंतु हमारा सारा भोजन तो आप खा गए, अतः हम ठीक है अब जैसा हम कहेंगे वैसा नहीं किया तो हम तुम दोनों का रक्त पी जाएंगे। जैसा कहा है वैसा ही करना। चिंता न कीजिए गुरुजी, आपके साथ रहते रहते हम ऐसे कुकर्मों में निपुण हो गए हैं। जल्दी जल्दी चलिए गुरुजी, कहीं महाराज गजपति सो न जाए। चलो चलो। मामा महामंत्री, एक बात तो बताइए, आखिर कमी क्या है? आप में कमियां ही कमियां हैं। जैसे कि आप आखेट के लिए जाते हैं तो खाली हाथ लौट आते हैं, जैसे कि आप तलवार बाज बहुत अच्छे हैं लेकिन तीरंदाजी में कच्चे हैं। नहीं नहीं, जैसे कि आप निडर तो हैं लेकिन अंधेरे से भयभीत हो जाते हैं। अरे चुप रहिए, कोई और होता तो हम उसे मृत्यु दंड दे देते। अरे हम ये नहीं पूछ रहे थे कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम ये पूछ रहे थे कि हमें किस बात की कमी है जो आपने कृष्णदेव राय से उपहार लेने के लिए प्रातः तक हमें यहाँ पर रोक लिया है। कमी हम में नहीं महाराज, कमी उनमें है जिसे प्रदर्शित करने के लिए हमने प्रातः तक का समय मांगा है, ताकि हम सोच सकें कि हम कृष्णदेव राय से क्या ऐसा मांगे जो वो दे ना पाए। तो तुरंत बताइए आपने क्या सोचा है। बहुत बहुत अकड़ते हैं ना वो, हम उनका घमंड तोड़ना चाहते हैं। महाराज हमें लगता है बाहर कोई हमारी बातें सुन रहा है। गुरुजी रुकिए, इतनी रात्रि को कहाँ जा रहे हैं आप? मंदिर जा रहे हैं पंडित रामा कृष्णा के लिए प्रार्थना करने। मंदिर पंडित रामा कृष्णा के लिए प्रार्थना करें, परंतु क्यों गुरुजी? पंडित रामा कृष्णा महाराज की सबसे बहुमूल्य वस्तु हैं, राज्य के रत्न हैं महाराज के लिए, महाराज नहीं चाहते उन पर किसी की दृष्टि पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, पंडित रामा कृष्णा से ज्यादा बुद्धिमान तो विजयनगर में दूसरा कोई और है ही नहीं। पंडित रामा कृष्णा के बिना महाराज का कोई कार्य ही संपन्न नहीं होता गुरुजी। गुरुजी वो घटना भूल गए आप, पंडित रामा कृष्णा ने मूर्छावस्था में भी महाराज को बलि पर चढ़ने से बचाया था और बलि पर चढ़ाने वाले आप थे आप। हाँ गुरुजी, स्मरण कीजिए शहंशाह बाबर की विध्वंसकारी योजना, जिसके वशीभूत होकर आप पंडित रामा कृष्णा पे संदेह कर बैठे थे, महाराज से आपने मृत्यु दंड तक दिलवा दिया था, फांसी के फंदे पर चढ़वाने वाले थे, और वही पंडित रामा कृष्णा ही थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और शहंशाह बाबर से विजयनगर की रक्षा की थी। तुम पंडित रामा कृष्णा की प्रशंसा कर रहे हो या हमारा अपमान कर रहे हो? आपका अपमान गुरुजी? आपका अपमान कैसे कर सकते हैं गुरुजी, पंडित रामा कृष्णा की प्रशंसा कर रहे हैं जैसा आपने कहा था। तुम प्रशंसा करो। यदि महाराज कर्ण है तो पंडित रामा कृष्णा उसके कवच और कुंडल है। महाराज मुख है तो पंडित रामा कृष्णा आभा मंडल है। यदि महाराज शरीर है तो पंडित रामा कृष्णा उनके प्राण है। पंडित रामा कृष्णा महाराज की आन बान और शान है। बस कोई माने चाहे ना माने, परंतु पंडित रामकृष्ण महाराज के वो तीर है जो कभी लक्ष्य से नहीं चूकता। कोई माने या ना माने, पंडित रामकृष्ण वो ढाल है जिनके होते हुए महाराज कोई छू भी नहीं सकता। ये ढाल हट गई तो कृष्णदेव राय निहत्ता हो जाएगा। अगर इन्होंने पंडित रामकृष्ण को मांग कर अपनी ढाल बना लिया तो मैं निहत्था हो जाऊंगा। हमने सोच लिया है कि हमें कृष्णदेव राय से क्या मांगना है। बिल्कुल गलत सोचा है। हमारा आशय है महाराज कि आपने बहुत ही शीघ्र सोचा है, और शीघ्र सोची हुई वस्तु अक्सर गलत होती है। नहीं, आप सोचने में विलंब कर रहे हैं। कृष्णदेव राय की ढाल पंडित रामा कृष्ण है, अगर वो हमारे हाथ लग गया तो कृष्णदेव राय शक्तिहीन हो जाएगा और हम शक्तिशाली। ये लगा बाण लक्ष्य पर।
कार्य संपन्न हुआ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.